हमारे अयोध्या में आ ही गए हैं, तो एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे जय जय श्री राम। कांग्रेचुलेशंस, नया चैनल लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब सुभारती जब हम नाम सुनते हैं तो एक आध्यात्मिक और बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, थोड़ा सा अगर नाम का मतलब बताएं और थोड़ा सा अगर चैनल के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, और अपने भाई, अपने पार्टनर, अपने मित्र को भी बधाई देता हूं इस चैनल के लिए, सुरजीत जी को, कि भाई और हम दोनों ने मिलके इसको शुरू किया है। सुभारती टीवी क्या है कि ये आध्यात्मिक में पहले हमारा जो है चल रहा था, अब हमने इसकी रिलॉन्चिंग की है, अब हम इसको एंटरटेनमेंट में भी लेके आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और अभी आपने देखा इसका रिलॉन्चिंग हुआ है टीवी का, तो आगे इस पर हमारे एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम अब चलेंगे, पूरा एंटरटेनमेंट हब इसके ऊपर रहेगा और चीज़ें अब सुचारू रूप से चलेंगी। सर, आप बताइए कि क्या प्लान्स थे जब आपको बताया गया कि चैनल को, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या आइडियाज़ थे आपके? क्या डिस्कशन हुआ? जी, कि एक्चुअली क्या है ना कि ये चैनल जैसे भाई साहब ने बताया कि पिछले जो है कई सालों से चल रहा है, अध्यात्म में चल रहा था, फिर हम लोगों ने सोचा कि अध्यात्म साथ में जो है एक फैमिली ड्रामा उन चीज़ों को ले आए कि दोनों चीज़ें मिक्स हों, कि लोग जो है अभी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जैसे संस्कार है और भी चैनल हैं जो उसमें सिर्फ अध्यात्म ही चलता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला देखती है तो अध्यात्म ही जाके रहते, उसको इधर इसका जो ड्रामा, जो फैमिली ड्रामा हो तो मिलता नहीं। हम लोगों ने मिक्सअप किया कि हम फैमिली ड्रामा और प्लस जो है अध्यात्म दोनों को चलाएंगे जो है, तो प्लानिंग वैसे ही है जैसे सारे चैनलों की हमारी। अब बहुत जल्दी जो है हमारे 1-2 शो चालू होने वाले हैं। उपासना सिंह जी हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको उन्होंने आज एज ए प्रोड्यूसर हमारे चैनल को ज्वाइन किया, अभी वो हमारे लिए एक शो कर रही हैं। DN जोशी जी हैं, जाने माने निर्माता हैं, वो भी हमारे लिए एक शो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अप्रोच आ रहे हैं मार्केट से प्रोड्यूसरों के, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। बस हमारी यही कोशिश है कि जैसे 10 साल हमने अध्यात्म में इसको लेके चैनल को चला, वैसे हम जो है अब मनोरंजन की दुनिया में भी अपना एक नाम बनाए। सर, कंटेंट किस तरह से फिल्टर होगा, क्या कुछ कंटेंट के ऊपर डिस्कशन होगा, अगर कुछ शेयर करना चाहे कि किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को देखने मिलेगा इस चैनल पर? देखिए, क्या है ना, ये एक अलग पैनल होता है, हम लोग तो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट जानते हैं। ये क्रिएटिव और जो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट होता है उनका है कि किस तरह का जोनर चलाना है उनको, तो ये सब चीज़ें जो है, जो टेक्निकल टीम है, जो चैनल में फ्रंट में बैक में जो आप संभालते चीज़ें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। सर, आप बताइए कि जैसे सर ने कहा कि वो तो बैकएंड का काम तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन किसी की भावना हर्ट ना हो, किस तरह के कॉन्टेंट जाए, क्या आप लोग इस बारे में डिस्कशन करने वाले? देखिए, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचना हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाम ही अपने आप में सुभारती है, तो आप सोच सकते हैं सुभारती, तो शुभ आरती का ही अपने आप में एक नाम में वजन है, तो भावनाओं के साथ किसी का खिलवाड़ करना वो चीज़ नहीं है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारी पूरी क्रिएटिव टीम बैठेगी, तो सारी चीज़ें जो भी कंटेंट हमारे पास आएगा उसको पूरा तरीके से देख के, चेक करके तभी वो चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी। और कौन से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड आने वाले हैं? जैसे ऑलरेडी मैम आ गए हैं, और कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑन बोर्ड आने के लिए प्लान कर रहे हैं, शो के लिए या फिर फिल्मों के लिए? देखिए, बहुत से प्रोड्यूसर जो है, अभी जब से हमने मार्केट में डाला कि हम इस डेट हमने रखी थी आज की रिलॉन्चिंग की, तब से बहुत सारे मेल आए हमें जो है, अब उसमें देखना है कि किन के साथ कैसे चैनल का फीडबैक बैठता है, कैसे हम काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में जो है। और कौन से लैंग्वेजेस में शो देखने के लिए, क्या सिर्फ हिंदी पे सीमित होगा या फिर हिंदी मराठी? नहीं, अभी जो चैनल का जोनर है वो हिंदी का है, तो अभी हम हिंदी ही इस पे जो भी टेलीकास्ट करेंगे हिंदी ही करेंगे हम लोग। सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आपके चैनल के बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जैसा हमें लोगों का प्यार मिलता है, हमारे चैनल को लोगों की शुभकामनाएं मिले, प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और सब एक ग्रुप बना करके, एक टीम बना करके काम आगे बढ़े। और कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का चैनल हो, ताकि अपना जो इंडियन कल्चर है तो बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले। मैम लोग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज बड़ा ही शुभ दिन है कि मैं यहाँ पधारी हूँ श्रीधाम वृंदावन से चलकर, और ये शुभारती, बड़ा ही, जिसका पहला अक्षर शू से शुरू होता है। शू यानी होता है सुंदर, तो जिसका अक्षर शू से शुरू होता है, तो ये चैनल, मुझे लगता है मेरे अनुभव से, ये चैनल इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और 10 साल से इसमें अध्यात्म चैनल चलता था और अब एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जो कि लोगों को बहुत आवश्यकता है जिस चीज़ की, हंसने की, मनोरंजन की, क्योंकि आज की दुनिया में व्यक्ति इतना नर्वस हो गया है, इतना उदास हो गया है और उसको हंसने की बहुत ज़रूरत है, उसको इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। धर्म एक अलग चैनल, मतलब धर्म एक अलग बात है, अध्यात्म एक अलग बात है। अध्यात्म से जुड़िए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन में इंटरटेनमेंट को भी अनुभव करिए, अपने जीवन में मनोरंजन को भी अनुभव करिए, क्योंकि कभी कभी अध्यात्म जीवन में इतना गहराई में चला जाता है व्यक्ति अध्यात्म की कि अपना जीवन जीना भूल जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, इस चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें। और मैं तो चैनल से जुड़ चुकी हूँ, श्रीधाम वृंदावन से चल के आई हूँ, और मैं आप सभी को, हमारे भैया जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पर उठाई है, हमारे रतन भैया जी, राणा जी, और हमारे सुजीत भैया जी, इन्होंने अपनी इस चैनल की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई है। तो मैं चाहती हूँ ये चैनल बहुत आगे जाए और मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारे भैया भी हमारे सामने उपस्थित हैं, इनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी, क्योंकि जीवन का जो जन्म होता है ना, जन्म, तो इनका जन्म तो नहीं हुआ उस चीज़ से, लेकिन उनका अंत ज़रूर हो, क्योंकि राम नाम से, सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो इनका जीवन राम से शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन इनका अंत ज़रूर राम से शुरू हो, राम पे ख़त्म हो। ऐसी शुभकामनाएं मैं ठाकुर जी से देती हूं और श्री राम जी से प्रार्थना करती हूं ये चैनल बहुत 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 आगे जाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुभ भारती चैनल, कंटेंट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर? मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक इस चैनल में आप आध्यात्मिक के बारे में, ईश्वर के बारे में, पढ़ाई, एजुकेशन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुभारती में देखी है, लेकिन आज इस शाम से ऑलरेडी प्रसारण हो रहा है, लेकिन एक नए लेवल पे, नए स्टेज पे आज के बाद मेरे प्यारे भाई हरकम सिंह राणा जी और उनके भाई सुरजीत सिंह जी और वालिया साहब देहरादून से हैं बिल्डर हैं, तो इनकी जो एक टीम है ना, सब आपस में मिलके सुभारती को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। और ये इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ से एक एंटरटेनमेंट जो इस भारत देश में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एक पॉलिटिक्स हो गया या एंटरटेनमेंट हो गया, क्रिकेट हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर चैनल चाहता है कि वो अपने प्रसारण करें। तो आज से एंटरटेनमेंट को खासियत देते हुए एक बड़े लेवल पर एंटरटेनमेंट की हर तरह का प्रोग्राम, शॉर्ट फिल्म्स हो गए, फ्यूचर फिल्म्स हो गए, या एंटरटेनमेंट से जो कनेक्टेड है हर चीज़ इस चैनल में धीरे धीरे करके इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो मैं एज एन एक्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए वेल विशर, तहे दिल से मैं विश देम ऑल द बेस्ट। आज के बाद जो इस चैनल में देखने को मिलेगा वो एक बहुत ही अच्छा संदेश पब्लिक में जाएगा और हम समझते हैं मिलजुल के भाई राणा जी, भाई सुजीत जी, भाई हरीश जी, सब लोगों का टीम वर्क है ये, और टीम वर्क से ही ये कार्य आगे बनता है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा संदेश ये आम जनता में जाएगा। आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी जिस समय आप ये चैनल, नए चीज़ देखने को मिलेगी इस चैनल के अंदर, तो एक अलग ही खुशी का अंदाज होगा। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, क्या शुभकामनाएं इस चैनल के लिए? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो ये स्टार्ट हो रहा है चैनल सुभारती का, जो रीलॉन्च हो रहा है, उसमें जो पहले सीरियल्स आएंगे उनमें मेरा नाम है। और मेरा क्या, मेरी मदर का नाम है, जो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है संतोष एंटरटेनमेंट स्टूडियोज़, और संतोष मेरी मदर का नाम है। तो माँ हर एक की बहुत शुभ होती है उसके लिए, ये तो कहने वाली बात ही नहीं। और माँ से ज़्यादा कोई भी अपने बच्चे का अच्छा नहीं चाह सकता, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं जब भी अपनी मदर के नाम से कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो वो हमेशा हिट होती है। सो मुझे पूरा यकीन है कि सुजीत जी के डी जी के और राना जी के चैनल पे, सुभारती चैनल पे मेरा जो शो होगा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि एक बहुत ही खूबसूरत शो हो और हिट शो हो। पूरी लगन से काम करेंगे। उन्होंने मेरे पे इतना यकीन किया कि इसकी लॉन्चिंग में मेरे को उन्होंने इतना ट्रस्ट करके अपना शो दिया है, तो मैं उस पे खरी उतरने की कोशिश करूंगी। अगर आपके शो की बात करें, कौन से जॉनर का होगा? क्योंकि सर को मैं थोड़ी देर पहले पूछ रहा था किस तरह का कंटेंट होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका जो शो होगा कौन से जॉनर का होगा, किस तरह का? देखिए, ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है, तो डेफिनेटली हमेशा हर एक जो चैनल है वो तीन ही चीज़ों पे चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो डेफिनेटली एंटरटेनिंग रहेगा। और मैं सोशल कोई इशू उठाकर उसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग उसके ऊपर बनाएं। बाकी पहला शो तो मैं इसी तरह का मेरा रहेगा, कोई कहानी रहेगी सोशल उसके ऊपर, और फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कोई कॉमेडी भी बनाएं, क्राइम भी बनाएं। तो वो तो ये है सामने है, इनको बोल रही हूँ कि अगले शोज़ भी मुझे दे देना। तो डेफिनेटली एक शो अगर आप हिट शो देते हैं तो फिर चैनल को भी आप पे यकीन होता है, वो ट्रस्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर तरह की एंटरटेनमेंट के हम शोज़ इस चैनल पे बनाएं। बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज इस चैनल का लॉन्चिंग है सुभारती, और ये सुभारती चैनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है। मैं नीरज भारद्वाज, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, पिछले 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ और काफ़ी काम करता आया हूँ, और मैं जुड़ गया हूँ अब सुभारती से। अब देखते हैं किस प्रोजेक्ट में आप लोग देखेंगे हमें, बस ब्लेसिंग कीजिए। हाँ, ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो उपासना एक शो कर रही है। इनका भाई प्रोफेशन और पर्सनल दो अलग अलग चीज़ें हैं, और शायद किसी कैरेक्टर में अगर फिट बैठूंगा तो मौका देगी, अदरवाइज़ मैं दूसरे प्रोड्यूसर की तलाश में हमेशा रहूंगा कि कोई कैरेक्टर मेरे लायक हो, करने लायक हो, तो मैं ज़रूर करूंगा। और मैं मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सुरजीत सिंह जी को, हरकम सिंह जी को, वालिया साहब को, कि ये चैनल खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, और जैसे कि इंटरनेशनल चैनल मार्केट में है उनसे टक्कर ले सके, अच्छे अच्छे शोज़ आएँ, सब कुछ। थैंक यू। देखिए, सुभारती जी चैनल के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आध्यात्म को जो इन्होंने मनोरंजन की तरफ मोड़ा है वो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब आप मनोरंजन के माध्यम से आध्यात्म को सिखाते हैं तो उसमें सब लोग जुड़ते हैं, वरना परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र हो गई। तो ये इनका बहुत अच्छा प्रयास है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इन लोगों को बहुत सारी कामयाबी मिले, और हो सकता है आने वाले वक्त में मैं भी इनके चैनल के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्ट करूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसकी। यश और कीर्ति देश के नहीं समस्त विश्व में फैले, यही मेरी शुभकामनाएं। सुभारती रिलॉन्च हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अब इस पर हमारी संस्कृति के साथ साथ कुछ नए तरह के शोज़ भी आएंगे। सो या ऑल द बेस्ट फॉर द लॉन्च, एंड आई होप कि ये चैनल बहुत अच्छा करे। और रकम जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और एंड आई विश देम लॉट ऑफ सक्सेस। ये जो चैनल है, मुझे अभी तक लग रहा था कि आध्यात्मिक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें सुरजीत भैया के एसोसिएट होने के बाद ये जो नए प्रकार से इसको डेवलप करेंगे, मेरे ख्याल से देश में एक अच्छे चैनलों में इसकी गिनती होगी। और इन्होंने जिस तरह से लॉन्च दिया, मेरी और पूरे राजपूत समाज की ओर से मैं भैया को शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले साल इसी समय इसको और इससे बड़ा ग्रेट गाला शो करें एनिवर्सरी पे। धन्यवाद। सुभारती चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे सुरजीत सिंह जी और राणा जी को कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और इस चैनल को अब एंटरटेनमेंट में लेकर आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऑल दी सुभारती। तो हम सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी ऐसा एक चैनल जिसमें हमारी सारी सीरियल्स भी आने लग जाएंगे। अभी तक आध्यात्म चलता था जो भी है, पर मैं अपने दोस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू। ऋषिका दीक्षित। अभी मेरी तरफ से सुभारती चैनल और राणा साहब और सुजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जैसे कि आप लोगों को जानकारी पहले ही है कि ये चैनल ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इस समय कुछ नए इंटरटेनमेंट के रूप में ये चालू करने जा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ आपको पता है दोनों नए प्रोग्राम इनके शुरू होने जा रहे हैं। उनके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जो ऑलरेडी अभी चल रहा है इस समय, जिसमें भक्ति संगीत और आपके प्रवचन और ये सारी चीज़ें हैं, जो अलग अलग धर्म, एक सद्भावना जो देश में आज की तारीख में वातावरण बना है, उसको हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। प्रमल राणा। सुभारती चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोग के माध्यम से एक ऐलान कर रहा हूँ कि आज सुभारती नाम का चैनल है। सुभारती नाम से फिल्म है, सब्जेक्ट है मेरे पास और बहुत जल्दी आप लोग को देखने मिलेगी। मेरा नाम DN जोशी, मेरी कंपनी का नाम है त्रिशक्ति फिल्म। मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, इससे पहले भी दूरदर्शन के शोज भी बनाए हुए हैं और मैंने एक अच्छी कहानी इनको दी है जो इनको बहुत अच्छी लगी है। और मेरी शुभकामना है, ये चैनल हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे, नंबर 1 चैनल लेके जाएंगे। धीरे धीरे सब काम होता रहता है। बोलिए। जय जय श्री राम। सबसे पहले सुभारती चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव एवं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल सुभारती, जैसे इसका नाम है कि हम सब आप लोगों के बीच में सुर घुले और पूरे भारत में प्रसिद्ध हो, ऐसा मैं भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और बहुत बहुत मंगल कामनाएँ हमारी राणा जी के लिए, सुरजीत जी के लिए, बालिया जी के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएँ, एक शुभ आशीर्वाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत ब्लेसिंग। थैंक